So hey viewers, finally on your demand, we are on a horror movie. तो हाल ही में मैंने एक horror type movie देखी, No One Get Out Alive. Really इस movie की storyline इतनी realistic है कि आप उसे feel कर सकते हो. यह movie एक British movie है जिसे direct किया है Sanjeev Maggini ने. Let's go without wasting any time. मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जो कि 1963 मेक्सिको की होती है. यहाँ कुछ लोग खुदाई करके एक बॉक्स को निकाल रहे होते हैं. एक्चुअली ये नॉर्मल प्लेस नहीं लग रही होती है क्योंकि यहाँ बहुत से स्केलेटन बोन्स हैं, यहाँ तक डेड बॉडी तक हम दिखते हैं. नेक्स्ट सीन में हम एक वॉल दिखते हैं जहाँ बहुत से बटरफ्लाई होते हैं. सीन शिफ्ट होकर एक लड़की में आती है जो कि किसी से बात कर रही होती है फोन में. अचानक से वो अपने रूम में देखती है एक फुटप्रिंट बन रही होते हैं. जैसे कि वो अकेली होती है रूम में तो वो घबरा जाती है कि ये फुटप्रिंट किसके है, और घबरा के वो अपने रूम से निकलती है. अपने रूम से जैसे वो निकलती है तभी उसके सामने एक बॉक्स दिखाई देता है, और हम व्यूअर्स यहाँ नोटिस करते हैं कि ये वही बॉक्स होता है जो कि स्टार्टिंग में हमने उस वीडियो क्लिप में देखा था. और तभी वहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और अचानक से उसे कोई पीछे से खींच लेता है. अब उसे किसने खींचा, क्यों खींचा, आगे चल के हमें पता चलेगा. मूविंग फॉरवर्ड इन अ सीन हम देखते हैं कि एक लड़की को जिसका नाम एम्बर होता है. एक्चुअली एम्बर चोरी छुपके अमेरिका में स्टे कर रही होती है विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन एंड आईडी प्रूफ, इसलिए वो अपने होटल से भी निकाली जाती है. नेक्स्ट सीन में हम एम्बर को एक कपड़े सिलाई फैक्ट्री में देखते हैं जो कि वहाँ काम कर रही होती है. तभी उसके सामने एक पोस्टर दिखाई उसे देता है जिसमें लिखा होता है कि सस्ते किराए में रूम अवेलेबल है ओनली फॉर गर्ल्स, और एम्बर ये देख के खुश हो जाती है क्योंकि एम्बर का भी कोई ठिकाना नहीं था, वो होटल से भी निकाली गई थी. नेक्स्ट सीन में हम एम्बर को देखते हैं उस प्लेस में जो कि पोस्टर में मेंशन किया गया था. एम्बर अंदर जाते हो तभी वहाँ हम बिल्डिंग के ओनर को दिखते हैं जिसका नाम रेड होता है, और यहाँ हम कुछ नोटिस करते हैं यह वही हॉन्टेड बिल्डिंग होती है जहाँ वो लड़की गायब हुई. एम्बर उस ओनर से पूछती है कि वहाँ कौन कौन रहता है उसके अलावा, जिस पर वहाँ का ओनर रेड बोलता है कि यहाँ सिर्फ एक लड़की रहती है तुम्हारे सिवा जो कि तुम्हारे सामने वाले रूम में रहती है, और बोलता है कि यहाँ के कुछ रूल्स है जो कि तुम्हें फॉलो करना है. यहाँ स्मोकिंग ड्रिंकिंग अलाउ नहीं है और देर रात तक भी आना अलाउ नहीं है. जहाँ एम्बर ये सब बात से एग्री करती है और अपने न्यू रूम में शिफ्ट हो जाती है. नेक्स्ट सीन में जब एम्बर सोने जा रही होती है तभी छोटी सी विंडो से दिखती है अपने फ्लोर में जो कि बेसमेंट तक जा रही होती है. अब इस बेसमेंट में कौन रहता था, कोई इविल स्पिरिट या कोई लड़की, ये सब हमें आगे चल के पता चलने वाला है. नेक्स्ट सीन में हमें उस लड़की को देखते हैं जो कि एम्बर के सामने वाले रूम में रहती थी. वो लड़की एम्बर से बोलती है कि रेड जो कि यहाँ का ओनर है वो एक बुरा इंसान है, उससे बच के रहना. यहाँ एम्बर उसकी बात में ज़्यादा ध्यान नहीं देती है. उसके बाद हम एम्बर को उसकी फैक्ट्री में देखते हैं जहाँ वो अपने फ्रेंड से कुछ बात कर रही होती है, जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर तुम्हें आईडी प्रूफ बनाना है तो 3000 रुपीस लगेगा. एम्बर रिप्लाई देती है 3000 क्यों, तुमने तो 1000 रुपीस बोला था ना. वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि नहीं तुम तो अमेरिकन नहीं हो ना इसलिए इतनी चार्ज लगेगी, अगर तुम्हें बनाना है तो बोलो तो वरना कोई बात नहीं है. हम फाइनली देखते हैं कि एम्बर रेडी हो जाती है. नेक्स्ट सीन में हम एम्बर को अपने अंकल से मिलने जाते हुए दिखते हैं. यहाँ उसके अंकल बोलते हैं कि अगली बार जब आओगे ना तो आईडी लेते हुए आना, मैं तुम्हारी अच्छे से जॉब लगा दूँ भाई. यहाँ हम देखते हैं कि अंकल को पता नहीं होता है कि एम्बर बिना आइडेंटिफिकेशन और आईडी कार्ड के अमेरिका में स्टे करी होती है. इसके बाद एम्बर अपने होटल में जाती है. वहाँ उसे बेसमेंट से अजीब सी आवाजें आ रही होती है. तभी वो उसकी ओर बढ़ती है और अचानक से रेड वहाँ आ जाता है और बोलता है कि ये बेसमेंट में जाना अलाउ नहीं है, ये मेरी प्राइवेट जगह है. एम्बर तभी एक बात नोटिस करती है कि एक रूम में अजीब सी चीजें रखी गई थी. तभी रेड वो रूम बंद कर देता है और बोलता है कि ये भी प्राइवेट जगह है, यहाँ भी तुम्हें आना अलाउ नहीं है. एक्चुअली हम देखते हैं कि यह वही रूम होता है जो कि स्टार्टिंग में दिखाया था जहाँ बहुत से बटरफ्लाई हमने देखा था. एम्बर डिसाइड करती है कि मुझे इस रूम में नहीं रहना है. वो जाती है रेड के पास अपने बच्चे कुछ ही पैसे लेने और बोलती है रेड से कि मेरे जो बच्चे कुछ ही पैसे रूम रेंट के मुझे वो कट करके वापस दो क्योंकि मुझे नहीं रहना इस जगह में. जहाँ रेड बोलता है कि ये पैसे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने पैसे तो खर्च कर दिए. नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एम्बर अपने पैसे काउंट कर रही होती है जो कि उसने फैक्ट्री से कमाए थे बिकॉज उसे अपने आईडी के लिए पैसे भी जमा करना होता है. लेकिन हम देखते हैं कि एम्बर के पास उतने पैसे नहीं होते. फिर एम्बर सामने वाली लड़की के रूम में जाती है जिसने कहा था कि रेड एक बुरा इंसान है उससे बच के रहना. एम्बर को वहाँ एक साया दिखता है जिसकी आंखें चमक रही होती है. यह देख के एम्बर डर जाती है, वो डर के मारे अपने रूम में चली जाती है. नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एम्बर वापस अपने मॉम के सपने देख रही होती है लेकिन इस बार इसे एक मिस्टीरियस बॉक्स भी दिखता है. हम व्यूअर्स यहाँ नोटिस करते हैं कि वही बॉक्स होता है जो कि स्टार्टिंग में हमने देखा था उस लड़के को गायब होते हुए.
एम्बर देखते हैं कि उस बॉक्स से कुछ निकल रहा होता है जो कि हाथ होता है किसी का। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एम्बर अपने बॉस से एडवांस मांग रही होती है, लेकिन उसका बॉस मना कर देता है, बोलता है कि तुम्हारा काम बहुत स्लो है तो एडवांस तुम्हें मिलेगा नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्बर और उसके दोस्त को एक कैफे में, जहां वो दोनों बात कर रहे होते हैं। एम्बर उसे बोलती है येलो पैसे और जल्द से जल्द मेरी आईडी बना दो। उसके बाद एम्बर अपने घर जाती है, मीन्स अपने होटल जाती है, लेकिन जब वो एंट्री करती है होटल में तब उसे कुछ दिखाई देता है। वो एक इंसान देखते है कि अपना सिर पटक रहा था दीवार से। एम्बर ये देख के शौक हो जाती है, लेकिन वो इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर वहाँ दो लड़के से मिलने आती है जो कि नए नए आए होते हैं, जो कि बहुत अजीब होती है। आफ्टर अ फ्यू मिनट हम देखते हैं कि एम्बर उनके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। वो तीनों मिलकर स्मोकिंग करते, तभी वहाँ रेड आ जाता है और वहाँ से सबको भगा देता है अपने अपने रूम में, जहाँ एम्बर रेड से सवाल करती है कि तुमने तो कहा था यहाँ बॉयज अलाउ नहीं है, लेकिन वो कौन था जो कि नीचे अपना सर पटक रहा था दीवार से। तभी रेड बोलते है वो तो मेरा भाई है, उसे इग्नोर करो, वो जरा साइको है। नेक्स्ट सीन में हम एम्बर को देखते हैं उसी प्राइवेट रूम में, जहाँ आना अलाउ नहीं था। उसे वहाँ बहुत सी अजीब सी चीज दिखती है, जैसे कि किसी को मारने के तरीके या टॉर्चर करने के मेथड्स। यहाँ तक उधर उसे ब्लैक मैजिक के बुक्स भी मिलते हैं, कुछ पुरानी चीज भी रखी होती है जिसमें बॉक्स भी होता है। अगले दिन एम्बर अपनी उस फ्रेंड को कॉल लगाती है जिसे उसने पैसे दिए थे, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करती है। फिर एम्बर फैक्ट्री में जाके उस दोस्त के बारे में अपने बॉस से बात करती है, जहां उसे पता चलता है कि वो जॉब छोड़ के चली गई। यह सुनकर एम्बर समझ जाती है कि उसे धोखा देके वो पैसे लेके भाग गई। उसके बाद एम्बर अपने होटल में जाती है और उसे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार भी एम्बर समझ नहीं पाती कि क्या चल रहा होता है इस रूम में। वो रेड के पास जाती है और पूछती है कि वो लड़की कहां गई जो कि समय सामने वाले रूम में थी, जहाँ रेड रिप्लाई करता है वो तो कब का छोड़ के चल गई। नेक्स्ट सीन में हम एम्बर को अपने रूम में जाते हुए देखते हैं। एम्बर जैसे एंटर करती है अपने रूम में तो वहाँ दो आत्माएं उसे दिखाई देती है, जो कि एक औरत और एक लड़की होती है। लड़की वाली स्पिरिट एम्बर से हेल्प मांग रही होती है, बोलती है कि प्लीज हेल्प मी। एम्बर ये सब देख के शॉक हो जाती है, लेकिन तभी उस लड़की को कोई पीछे से खींच लेता है, जैसे कि स्टार्टिंग सीन में हमने देखा था। तभी एम्बर समझ जाती है यहाँ कोई स्पिरिट है और ये हॉन्टेड प्लेस है, और रेड के पास जाती है अपने बच्चे को चाहे पैसे लेने, लेकिन तभी उसके रूम में वही साइको भाई होता है जो कि एम्बर को बोलता है कि रेड यहाँ नहीं है अभी। उसके बाद हम व्यूवर्स से देखते हैं कि एम्बर अपने सारे सामान पैक करके दूसरे होटल में जाती है, लेकिन उसके पास पैसे ना होने के कारण उसे कोई रूम देता नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर रेड को कॉल करती है और बोलते हैं कि मेरे पैसे मुझे वापस दो। हम देखते हैं फाइनली रेड कैफे में कुछ पैसे एम्बर को देता है और बोलता है बाकी पैसे लेने के लिए आपको होटल चलना होगा, क्योंकि बाकी पैसे वही रखे हैं मैंने। उसके बाद वो एम्बर को लेके वही हॉन्टेड होटल में वापस जाता है और कहता है कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे रूम में रखे हुए, जाके ले लो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एम्बर उसकी जाल में बुरी तरह फंस जाती है। एम्बर अपने रूम में जाती है लेकिन वहां से कुछ मिलता नहीं, तभी रेड आ जाता है पीछे से। हम देखते हैं कि रेड फोर्सफुली वाइन पिलाता है एम्बर को, लेकिन एम्बर उसे वार्न करती है कि मेरे पास भी मत आना, लेकिन तभी उसका साइको भाई उधर आ जाता है और वो दोनों मिलके एम्बर को वाइन पिला देते हैं। एक्चुअली ये सब वो दो भाई क्यों कर रहे थे ये हमें समझ नहीं आता। एम्बर का सिचुएशन देख के वो दोनों नई लड़कियां भी डर जाती है, इसके वजह से वो तीनों एक ही रूम में सोते हैं। यहाँ एम्बर को वापस से भयानक से सपने आते हैं, तभी वो उठ जाती है। आफ्टर फ्यू मिनट हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां भी उठ जाती है कुछ भयानक सपने से, जहाँ वो दोनों लड़कियां एम्बर से बोलते हैं कि हमारे सपने में एक भयानक से बॉक्स हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर एम्बर बोलते हैं कि सेम बॉक्स मुझे भी दिखाई देते हैं। फिर वो तीनों समझ जाते हैं कि जो भी कनेक्शन है वो हंटेड बॉक्स से है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एम्बर के अंकल होटल के बाहर आए होते हैं, जहाँ वो रेड से पूछते हैं कि एम्बर कहाँ है। इस पर रेड रिप्लाई देता है कि एम्बर यहाँ नहीं रहती है, लेकिन तभी अंकल को बैग दिखाई देता है और वो धक्का मार के रेड को अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद वो एम्बर के रूम के बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि बाहर निकलो एम्बर, मैं आ गया हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो साइको इंसान जो कि रेड का भाई होता है वो अटैक कर देता है अंकल के ऊपर, और वो अंकल को तब तक मारते रहता है जब तक वो जान से नहीं मर जाते। इसके बाद वो दोनों भाई वो तीन लड़कियों को उठा के एक रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियों की डेड बॉडी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेड एम्बर के बॉडी में कुछ लगा रहा होता है, जहाँ एम्बर बोलती है मुझे छोड़ दो, जिस पर रेड रिप्लाई करता है कि मैं ऐसा चाह के भी नहीं कर सकता, मेरा भाई उस बॉक्स के वजह से मजबूर है, पहले मेरे फादर ये सब काम करते थे, अब मेरा भाई ये सब काम करता है तो मैं चाह के भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, उसने मेरी मॉम के साथ भी ऐसा किया, अब तुम्हारे साथ भी वही होगा। यहाँ हम व्यूवर्स से देखते हैं कि वो साइको इंसान एम्बर को उठा के बेसमेंट में लेके जाता है। रास्ते में जाते जाते एम्बर बहुत सी आत्माओं को देखती है जो कि वही कपड़े पहने होते हैं जो कि एम्बर ने पहना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितनी भी स्पिरिट होती है वो एम्बर जैसे कपड़े पहने होते हैं, मीन्स अभी एम्बर
की भी मौत होने वाली थी। बेसमेंट में हम देखते हैं कि बहुत सी डेड बॉडी होती है जिनके सर कटे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो साइको इंसान एम्बर को उस जगह में लेटा देता है और हमें वही बॉक्स वापस देखने मिलता है, लेकिन इस बार वो साइको इंसान उस बॉक्स को खोल देता है और खुद वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी एम्बर के अंकल से समय में वहां आ जाते हैं, वो वहां से एम्बर को छुड़ा लेते हैं। इसके बाद वो दोनों एक अंधेरे से रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एम्बर को दिखाई देता है कि वो अपने मॉम के साथ है। एक्चुअली कहानी का ट्विस्ट यहाँ हम देखते हैं, एम्बर के अंकल तो मर चुके होते, तो एम्बर को बचाया किसने? तभी हम देखते हैं कि सब एम्बर का इमेजिनेशन होता है। तभी उस बॉक्स से एक अजीब सी क्रिएचर बाहर आती है जो कि दिखने में बहुत डरावना होता है। वो क्रिएचर एम्बर की तरफ ही आ रही थी। यहाँ एम्बर वापस एक सपना देखती है। इस बार वो अपने सपने में देखती है कि उसने अपनी मॉम को पिलो से दबा के मार दिया होता है। तभी एम्बर की आंखें खुलती है, वो देखती है कि वो क्रिएचर उसके आसपास भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एम्बर जैसे तैसे वहां से निकलती है और वो वही प्राइवेट रूम में चली जाती है जहाँ की उसे अलाउ नहीं था जाना। वहाँ उसे एक हथियार मिलता है, वो हथियार लेकर वो दोनों भाई के पास जाती है जहाँ वो रेड के पेड़ में मारती है और उसे घायल कर देती है। लेकिन जब वो साइको इंसान पे अटैक करती है तभी वो साइको इंसान एम्बर को उठा के फेंक देता है और उसका लेग को तोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दूसरी लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो साइको इंसान उसे पकड़ कर ऊपर से फेंक देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेड का भाई मीन साइको वो एम्बर के गले को दबाकर एम्बर को मारता है, लेकिन तभी एम्बर के हाथ में कुछ कांच के टुकड़े होते हैं। तभी वो उसी टुकड़े को साइको के नेक में घुसा देती है जिसकी वजह से वो साइको नीचे गिरता है। तभी हम देखते हैं कि एम्बर अपने लाए हथियार से उस पर इतना अटैक करती है कि उसे जान से मार देती है। मूविंग फॉरवर्ड इन द सीन हम देखते हैं कि वो रेड को बांध कर वही बेसमेंट में ले जाती है जहाँ उसे लेके गए थे। फाइनली हम देखते हैं कि उस बॉक्स से एक अजीब से क्रिएचर आता है बाहर और वो रेड के सिर को निगल लेता है, मीन्स खा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर वहां से बाहर निकलती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसका जो टूटा हुआ लेग था वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है और इसके घाव भी हील होने चालू कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें पूरी स्टोरी समझ में आती है। जो स्टार्टिंग में हमने कुछ लोग देखे थे जो कि वो बॉक्स निकाल रहे थे, वो एक्चुअली एक इविल बॉक्स होता है और इसे रेड के फादर ने निकाला था और वो इविल स्पिरिट के कंट्रोल में आ गए थे। उनके बाद रेड का भाई जो कि साइको नहीं होता है वो इविल स्पिरिट का शिकार बन जाता है, तो एम्बर का बॉडी वो इविल स्पिरिट प्रोसेस कर लेती है और वो एम्बर को शिकार बना लेती है। मीन्स अब एम्बर ये सब काम करेगी जैसे कि बलि देना और लोगों को फंसाना। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मूवी की एंड हो जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहीं भी जाओ किसी भी जगह, वो चीप प्राइस में क्यों मिली इसके बारे में अगर एम्बर पहले ही सोच लेती तो ये सब होता नहीं उसके साथ।